हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत टाइम से मैं वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर रहा था, एक्चुअली बहुत ही टाइम हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स थे इसके वजह से। तो अभी मैंने कुछ मटेरियल्स अपने स्टूडियो के लिए, मतलब अपने ड्राइंग के लिए मैंने बाय किए हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कौन कौन से मटेरियल्स, स्केच बुक, कलर्स एंड चारकोल परचेस किए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस, मैंने इतने सारे मटेरियल्स बाय किए, कुछ 2500 के अराउंड मैंने मतलब ये मेरे मटेरियल्स हैं, उतने 2500 में मैंने बाय किए हैं। तो 2500 के कुछ हैं ये मटेरियल्स, तो चलिए देखते हैं। तो ये एक्रेलिक कलर है आर्टिस्ट का, तो ये 12 शेड्स का है। एक्चुअली मुझे बहुत टाइम से एक्रेलिक कलर पे काम करना था बट मैंने नहीं लिया था, तो ये एक्रेलिक कलर है। फिर मैं ये माइक्रोन से, जो कि कुछ 6 है इसमें पीस, अलग अलग वो नंबर के हैं। और ये टोम्बो मोनो जीरो रेजर का रिफिल है, और ये वाटर कलर है 24 शेड्स में। एंड ये आर्ट लाइन की पेंसिल है स्केचिंग के लिए, और ये चित्रपट का हैंडमेड में गया था लेने बस शॉप पे, बट मुझे नहीं मिला, तो जब नेक्स्ट टाइम उनके पास आएगा तो मैं ले लूँगा। तो उन्होंने मुझे अनुपम का A4 साइज शीट दिया है, 12 शीट्स है इसमें। तो इसको भी हम लोग यूज़ करके देखेंगे, इसके भी टेक्सचर बहुत ही रफ है। तो ये है हैंडमेड पेपर अनुपम का, और मैंने 3 स्केचबुक बाय किए, 3 अलग अलग साइज़ में, A4, A3 और A5, ठीक है, आर्टिस्ट स्केच पैड के। 140 GSM का A4 साइज़ का है, और ये A5 साइज़ का A4, ये भी 140 GSM का है। और लास्ट मैंने एक बड़ा स्केचबुक बाय किया, ये भी 140 GSM का है और A3 साइज़ का है। अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया है, और तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके टेक्सचर कैसे है, उसको कैसे ड्रॉ करना है। तो ये मैंने अपने ट्रैवलिंग के लिए मैंने इसको लिया है, मतलब कैरी कर सकते हैं इसको। तो ये कुछ स्केचबुक और मटेरियल्स हैं, कलर है मैंने जो बाइक के, जिसको मुझे बहुत पहले से ख़रीदना था और मैं नहीं ख़रीद पा रहा था। तो और ये चारकोल पेंसिल है, ये चारकोल पेंसिल है सॉफ्ट मीडियम एंड हार्ड। और ये फिक्सेटिव स्प्रे, जिसका मुझे यूज़ बहुत पहले से करना था बट मैं नहीं कर पा रहा था। फिक्सेटिव स्प्रे का यूज़ किस लिए होता है बहुत लोग को नहीं मालूम होता है, तो मैं बता दूं कि फिक्सेटिव स्प्रे एक्चुअली बहुत हार्म है। इसको जब भी यूज़ करना होता है स्केच पे मारने के लिए, तो अपने मुंह पे कपड़ा बांध के ही इसका यूज़ करना चाहिए, और किसी भी एकदम खुली जगह पे या टेरिस पे या गैलरी में यूज़ करना चाहिए, जैसे घर में नहीं, क्योंकि घर में इसका स्प्रे फैल जाता है तो स्मेल आता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम यूज़ करेंगे, और इसका यूज़ पेस्टल, चारकोल एंड पेंसिल तीनों पे हो सकता है, पेस्टल कलर हो जो भी हम लोग क्रेयॉन से बनाते हैं, एंड चारकोल जो मैं बताया इससे, और थर्ड जो है पेंसिल, ज़्यादातर के पेंसिल में यूज़ होता है। जैसे मान लो आपको, आपने स्केच बनाया और वो स्केच आपका हाथ लगने से ख़राब होना हो जाए, इसके लिए फिक्सेटिव स्प्रे का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर मोस्टली लोग नहीं भी करते हैं, बट कमीशन वर्क है और अपने स्केच को सुरक्षित रखना होता है ना लाइफ टाइम के लिए, तो इसका यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर मैं कहूँ तो ये बेस्ट है, अभी तक मैं भले यूज़ नहीं कर रहा था बट अभी से स्टार्ट करेंगे, तो इसके बारे में और डिटेल में हम जाएंगे। तो कुछ इतने मटेरियल्स है जो मैंने बाय किए, और उसका अराउंड ये बिल है, कुछ 2500 का ये बिल है, ठीक है। फिर चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये कुछ मेरे आर्टवर्क है जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, और एक्चुअली इसके वीडियो आई बटन पे ऊपर आ रहे हैं, आप उस पर क्लिक करके इसके पूरे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किए हैं, तो मैंने फिक्सेटिव पे नहीं मारा है, इसके लिए मैंने इसको न्यूज़पेपर पे इस तरह से रखा है, एक स्केच। एक्चुअली देख सकते हैं कि इसमें भी कितने दाग लगे हुए हैं, स्केच स्प्रेड हो गया है, जो कि ये चारकोल में वर्क किया हुआ है और ये फैल गया है। तो ये स्प्रे को यूज़ करने से, ये स्प्रे को यूज़ करने से पहले अपने फेस को पूरा मास्क करना ज़रूरी है,
क्योंकि ये स्प्रे का जो जो स्प्रे है वो अपने फेस के लिए हार्मफुल है। तो इसके जो नीचे आर्टवर्क रखे मैं उसको हटा लेता हूँ और मैंने अपना टेक्स्ट खाली किया है। हमने इसको पूरी तरह से स्प्रे मार तो दिया बट बहुत अजीब सा स्मेल आ रहा है, तो हम लोग बाहर चलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि इस साइड पे बिल्कुल भी चारकोल हाथ पे नहीं लग रहा है बट ये साइड में चारकोल अपने हाथ में आ रहा है। इस साइड से फिक्सेटिव का स्प्रे अच्छे से नहीं यूज़ हुआ है और यहाँ पे चारकोल हाथ में आ ही नहीं रहा है, यानी कि फेस पे हमने अच्छे से मारा है बट यहाँ पर नहीं मारा, इसके लिए चारकोल हाथ में आ रहा है। तो हमें अच्छे से इसका यूज़ करना है। देख सकते हैं कि इधर पर भी अच्छे से यूज़ नहीं हुआ है, तो हम लोग एक बार और स्प्रे करेंगे बट सेम टेक्निक, फेस पे मास्क लगाकर। तो अभी हम सेकेंड आर्टवर्क है जो हमारा मदर टेरेसा का A3 साइज का, अभी हम इसके ऊपर भी फिक्सेटिव करेंगे। और ये जो है स्टैडलर मार्स लोमोग्राफ पेंसिल से बनाया है मैंने, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो अभी हम इसके ऊपर ही फिक्सेटिव करेंगे बट ध्यान रहे कि फेस पे ना जाए और इसका घर में बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर आप इसको घर में यूज़ करेंगे तो आपका पूरा घर बहुत ही स्मेल आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ 1 घंटे हो गए हैं, हमने इसके ऊपर स्प्रे किए हुए 1 घंटे हो चुके हैं। तो देख सकते हैं कि अभी कैसा दिख रहा है। तो अभी हम ये फेस पे से मास्क नीचे करते हैं और अभी देखना है कि चारकोल हाथ में आ रहा है या नहीं। तो बिल्कुल भी चारकोल हाथ में नहीं लग रहा है, ज़्यादा प्रेशर देने के बाद भी देखूँ मैं तो शायद ज़्यादा प्रेशर देने के बाद थोड़ा हाथ में आया है चारकोल, लेकिन लाइटली हाथ से तो बिल्कुल भी चारकोल हाथ में नहीं लग रहा है। इधर हेयर पे देखते हैं, प्रेशर देने पर भी नहीं आ रहा है। तो कहीं कहीं पे फिक्सेटिव का अच्छे से यूज़ नहीं हुआ है बट आपको फिक्सेटिव का यूज़ अच्छे से करना है, तभी आपका जो स्केच है अच्छी तरीके से हो पाएगा और तभी हाथ में आपके हाथ में नहीं आएगा। तो मेरे हाथ में थोड़ा कहीं ना कहीं किसी कोने में आ रहा है। तो चारकोल का तो हो गया, एक्चुअली 98% तो एकदम फिक्सेटिव हो चुका है, कहीं कहीं कोना बचा है जहाँ पर हाथ में चारकोल आ रहा है बट 98% बोल सकते कि वो प्रॉपर है। अभी हम ग्रेफाइट का वर्क देखते कि ग्रेफाइट में कैसा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम ग्रेफाइट में जहाँ डार्क पोर्शन है वहाँ पर हमें देखना है कि वहाँ पे ग्रेफाइट हाथ में आ रहा है क्या। तो बिल्कुल भी ग्रेफाइट हाथ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी डार्क पोर्शन है, तो हम यहाँ पर भी प्रेशर का अप्लाई करेंगे और बिल्कुल भी ग्रेफाइट हाथ में नहीं आ रहा है। देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर पे थोड़ा आया बट इधर भी जहाँ डार्क पोर्शन है
वहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्सेटिव का बहुत ही अच्छे से यूज़ हुआ है, बिल्कुल भी हाथ में नहीं आया है। तो यानी कि 95% तो ये दोनों में फिक्सेटिव अच्छे से यूज़ हुआ है, बट कहीं 5% प्रॉब्लम है जहाँ पे कहीं पर डार्क प्रेशर देने पर भी हाथ में ग्रेफाइट आ रहा है, बट 95% तो आपका स्केच सुरक्षित है। तो इस वीडियो में इतना ही कि फिक्सेटिव का यूज़ कैसे करते हैं, और एक्चुअली जब भी आप फिक्सेटिव स्प्रे का यूज़ करना है अपने स्केच चारकोल या पेस्टल पे, तो आप टेरेस पे जा सकते हैं, गैलरी में जा सकते हैं। एक्चुअली मैंने जब इसको अपने कमरे में यूज़ किया ना, तो पूरा कमरे में स्मेल आ गया था, और एक्चुअली एक घंटे के बाद ही मैं इस कमरे में आया। एक्चुअली घंटे तक तो इस कमरे में था नहीं मैं, तो बहुत ही बहुत बुरा स्मेल था इस घर में, बट अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, एग्जॉस्ट फैन चालू था। तो दोनों स्केच के वीडियो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और